Today we are going to start a topic for the IIT JEE which is known as quadratic equation and expression. So हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है. इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मैं अगर आपको जस्ट बताऊं तो इतना है कि एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसका आगे आने वाले टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स में यूज पड़ेगा, चाहे वो क्लास 11th के टॉपिक हो, चाहे वो क्लास 12th के टॉपिक हो, चाहे वो IIT JEE से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो. इन जनरल मोस्टली IIT एडवांस में लगभग हर साल एक बढ़िया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन पोर्शन से पूछा जाता है. एक पैसेज जिसमें से कम दो क्वेश्चन इन्वॉल्व रहते हैं और मेंस में भी इससे कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. ये हर तरफ से ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. इसको स्टार्ट करने के पहले अगर हम इस टॉपिक के नाम पे ध्यान दें तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो दिस टॉपिक इज मेड अप फ्रॉम टू पार्ट्स. एक पार्ट है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द सेकेंड पार्ट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. इक्वेशन वो पार्ट है जो जनरली क्लास 10th तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और रूट्स के बारे में बात की जाती है. लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन वो पार्ट है जिसमें हम लोग इस क्वाड्रेटिक को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ स्टडी करने वाले हैं. ग्राफ से हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्टडी करने वाले हैं. तो हम लोग इसको दो पोर्शन में पढ़ेंगे, इक्वेशन भी पढ़ेंगे एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे. इक्वेशन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि IIT में मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वेशन पोर्शन से भी पूछे जाते हैं और एक्सप्रेशन का अपना अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत यूजफुल होता है और एडिशनली इस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं जो IIT एडवांस लेवल में काफी काम में आ सकते हैं. सो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फर्स्ट पार्ट एंड देन वे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द सेकेंड पार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है विच इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ एक्स. इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो एक्स की सिर्फ कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है. इट इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है बिकॉज इसको एक्स की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करती हैं. इसको एक्स की सिर्फ दो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, 1 और 2. इसके अलावा इसको एक्स की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती. तो दिस इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड हेंस इट इज नोन एज इक्वेशन. इक्वेशन में बेसिकली दो साइड होती है, एक LHS होता है और एक RHS होता है. LHS एंड RHS ये एक्स की कुछ वैल्यू हम पुट करते हैं जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाता है और ये एक्स की सिर्फ कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है. तो इस टाइप का जो भी रिलेशन होता है ये क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है. इक्वेशन में बेसिकली दो साइड होती है, LHS और RHS. जैसे और भी अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो फॉर एग्जांपल आई विल राइट AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0. तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि ये भी एक्स की सिर्फ कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी. मैक्सिमम ये एक्स की दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो सकती है, दो से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकती. तो ये भी क्या कहलाएगा? इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो साइड है. इट हैज टू साइड्स, LHS एंड RHS. ये भी x की सिर्फ कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा क्योंकि आप x की मैक्सिमम इसमें 3 वैल्यूज पुट कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इक्वेशन की मेन प्रॉपर्टीज जो हम लोग के सामने अभी तक निकल करके आ रही है कि द इक्वेशन हैज टू साइड्स, इक्वेशन में दो साइड होती है और ये x की सिर्फ कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है. यस, इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन? डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन इज दैट कि इट हैज टू साइड्स, LHS एंड RHS, एंड इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स. और ये सिर्फ एक्स की कुछ ही गिनी चुनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो इट इज इक्वेशन. सो देखें एक्सप्रेशन क्या होता है. व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन में सिर्फ एक साइड होती है, सिर्फ इसमें एक साइड होती है, इसमें कोई दो साइड नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया कि एक्स प्लस 1, दैट्स ऑल, इट इज एन एक्सप्रेशन.
इसमें कोई दो साइड नहीं है, इसमें x की हम कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे डाल सकते हैं, इसमें आउटपुट में आपको जस्ट इनपुट डालोगे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें दो साइड है LHS और RHS और आपने x की कुछ वैल्यू पुट किया और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं आती है कि x की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही, क्योंकि इसमें एक ही साइड है, इसमें दो साइड है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और उस इनपुट के बदले में हमें कुछ आउटपुट निकलता है। यस इंटर्न हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरूर कि y से, कि y इक्वल टू x प्लस वन, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यहां पे दो साइड हो गई है, यहां पे दो साइड नहीं, साइड एक ही है, ये y से हम लोग जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की हम कुछ वैल्यू डालेंगे तो हमें y की कुछ वैल्यू आउटपुट के तौर पर मिलेगी। तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है एक इनपुट आउटपुट रिलेशन, दैट्स ऑल, ये सिर्फ इनपुट आउटपुट रिलेशन होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि माने x की कुछ वैल्यू हम पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दैट्स ऑल, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि हम x की वैल्यू डालें तो LHS और RHS बराबर हो रहा है, इट हैज ओनली वन साइड और इट इज एन इनपुट आउटपुट रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, दैट्स ऑल, तो ये भी एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसा एक्सप्रेशन है, यही है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन में हम लोग मेनली क्या कहेंगे कि एक्सप्रेशन इट हैज ओनली वन साइड, इसमें सिर्फ एक साइड होता है, इट इज एन इनपुट आउटपुट रिलेशन, इसमें सिर्फ इनपुट डालोगे और आपको आउटपुट मिलता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि एक्स की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही। जबकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में एक्स की कुछ वैल्यूज ही उस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है जिसके लिए दोनों साइड इक्वल होती। देन इक्वेशन हमने देख लिया, एक्सप्रेशन हमने देख लिया, एक और एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है क्यूबिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल, सो इट इज क्यूबिक एक्सप्रेशन। सो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने दो टर्म देखे, एक देखा हम लोगों ने इक्वेशन और दूसरा हम लोगों ने देखा एक्सप्रेशन, कि व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्वाड्रेटिक हमें कुछ और टर्म्स जानने होंगे अपार्ट फ्रॉम द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, कुछ और भी टर्म्स हमें जानने होंगे कि वो क्या चीजें होती हैं। तो इक्वेशन हमने देखा, एक्सप्रेशन हमने देखा, अब इसके बाद हम लोग को देखना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। सो व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन, इट हैज टू साइड्स, सो आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन है जो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है। सो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इट इज एन आइडेंटिटी, बिकॉज अगर हम यहां पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सो LHS और RHS ऑलवेज इक्वल होगा, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड हेंस इट इज एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, इट इज एन आइडेंटिटी, बिकॉज इसमें एक्स की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी ट्रू, सो इट इज एन आइडेंटिटी। अगेन आई कैन राइट फॉर एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, सो ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, बिकॉज ये भी एक्स की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट टू की जगह पे कुछ और सपोज कि थ्री कर देता हूं, देन नाउ इट विल नॉट बी एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी अब नहीं रह जाएगा क्योंकि अब ये एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगा, ये अब एक्स की कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। सो दैट मीन्स कि अगर कोई इक्वेशन आइडेंटिटी है सो दैट मीन्स कि उसके आइडेंटिटी होने के लिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, दोनों साइड में एक्स का कॉफिशियंट और दोनों साइड में कॉन्स्टेंट टर्म, ये सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो इसके आइडेंटिटी होने के लिए जो सेम पावर के कॉफिशियंट हैं वो दोनों साइड में डेफिनेटली क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो इट विल बी एन आइडेंटिटी इफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू, दैट मीन्स कि आई कैन से कि इफ
टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस डी इज एन आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी। सो अगर ये आइडेंटिटी है तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे सेम पावर का कॉफिशियंट दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए, दैट मींस कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, दैट मींस सी इज इक्वल टू टू, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए तो ए इक्वल टू टू, कॉफिशियंट ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए सो बी इक्वल टू माइनस थ्री, एंड सिमिलरली फॉर द कॉन्स्टेंट टर्म डी इक्वल टू वन होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहां से मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि सी इज इक्वल टू टू एंड ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड डी इज इक्वल टू वन। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज आइडेंटिटी। इक्वेशन एक्स की सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है, इसमें दो साइड होती है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक्स इसमें कुछ ऐसा सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट नहीं होता, इसमें सिर्फ एक साइड होती है। हम इनपुट डालते हैं एक्स की कुछ वैल्यू और हमें आउटपुट के तौर पे वाई की कुछ वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पे मिलती है। और आइडेंटिटी क्या हमने देखा, आइडेंटिटी हमने देखा कि ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, इसमें हम एक्स की कोई भी वैल्यू डालें एलएचएस और आरएचएस ऑलवेज इक्वल आता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को आपको एग्जांपल से दिखाया। और इसमें एक और चीज है कि अगर मान लीजिए कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो आई कैन से कि कॉफिशियंट ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में आई कैन से कि कॉफिशियंट ऑफ इक्वल पावर इज सेम ऑन बोथ साइड्स इन आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी में मैं ये पॉइंट आपको मेंशन कर सकता हूं कि जो कॉफिशियंट ऑफ इक्वल पावर्स, दोनों साइड में इक्वल पावर के जो कॉफिशियंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो ये होती है आइडेंटिटी। सो आफ्टर द आइडेंटिटी हम लोग अगले पॉइंट पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉलिनोमियल। सो देखें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या पॉइंट है इसमें, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर। सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर। सो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें वेरिएबल एक्स होता है। सो दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, माइंड इट एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक साइड होती है, इसमें जो वेरिएबल एक्स होता है उसकी पावर एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन निगेटिव मतलब वो निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात वो पावर इंटीजर होना चाहिए, वो एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर कोई एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, सो हम इसको क्या कहेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो लेट अस सी द क्राइटेरिया, एक्स वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स, और उसकी पावर को हम लोग चेक करते हैं। पावर शुड बी नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होनी चाहिए और साथ में वो इंटीजर होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए पावर जो एक्स की है 2, 1, 0 एंड यस, देखने से ये भी 1 दिख रहा है। सो इस तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि जो एक्स की पावर है वो सब जगह पे इंटीजर है और प्लस वो निगेटिव भी नहीं है, वो कहीं पर भी निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव में 0 आ सकता है, यहां पे 0 पावर आ सकती है। तो देखने से हमें ये दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर हम इफेक्टिव पावर देखेंगे तो यहां पे ये जो नीचे x है, डिनोमिनेटर में जो x है, इसकी इफेक्टिव पावर -1 है,
इफेक्टिव पावर माइनस वन है, जो पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो पावर अगर निगेटिव हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। और यहां पे जो एक्स की पावर है वो क्या हो चुकी है, निगेटिव हो चुकी, इफेक्टिव पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें तो दूसरा एग्जाम्पल सपोज की 2x² + 3√x + 1, सो इट इज डेफिनेटली नॉट अ पॉलिनोमियल। Why it is not a polynomial? Because यहां पे अगर आप वेरिएबल की पावर को एनालाइज करोगे तो वेरिएबल की पावर अगर आप देखोगे तो यहां पे 2 है और यहां पे वेरिएबल x की जो पावर है वो कितनी है, 1/2। इट इज अ फ्रैक्शन। जबकि पॉलिनोमियल के लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि पॉलिनोमियल के लिए क्राइटेरिया है कि ये नॉन निगेटिव होना चाहिए प्लस ये इंटीजर होना चाहिए। जबकि यहां पे जो x वेरिएबल x है उसकी पावर इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन मान लीजिए कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, √2x² + √3x + 2, सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? बिकॉज हम लोग को कांस्टेंट की पावर से लेना देना नहीं है। हम लोग को किसकी पावर से लेना देना है? हम लोग को वेरिएबल की पावर से लेना देना है। तो वेरिएबल की पावर अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहां पर आप देखिए वेरिएबल की x की पावर है 2, 1 एंड 0, जो कि इंटीजर भी है जो कि निगेटिव भी नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यस ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x³ + 2x² + x + 1, यस ये तो क्लियरली पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो पावर्स हैं वो हमें क्लियर दिख रही है कि क्या है, वो पावर्स इंटीजर है। और साथ में हमें यह भी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पावर है ये कहीं पर भी निगेटिव नहीं है। सो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सो ओवरऑल व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर। वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, प्लस एडिशनली वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इफेक्टिव पावर की बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये हमारे लास्ट की ये दो जो हैं ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखिए जो पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे अगर हम वापस अपने एग्जांपल्स पे आए तो इस ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, ये दोनों पॉलिनोमियल है नहीं, इस पे आते हैं तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इसकी डिग्री हम लोग कितनी बताएंगे, 2। इस पॉलिनोमियल में आते हैं, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो हमें दिख रही है दैट इज 3, सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 3। एक और एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं लूं पॉलिनोमियल का 5, ओनली 5, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है दैट इज 0, और 0 नॉन निगेटिव भी है और प्लस वो इंटीजर भी है, सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 0, बिकॉज वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है वो यहां पे क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। सो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग क्या बताएंगे, इसकी डिग्री जो है दैट इज 0, इट इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स हम लोग के पास एग्जिस्ट करते हैं, तो उन अलग अलग डिग्री के हिसाब से हम लोग डिफरेंट पॉलिनोमियल्स और उनके नेचर को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ें तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। सो 0 डिग्री पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो हमें क्या पता चला कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे ये हम लोगों ने देखा था 5, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना था, 0, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल में अगर हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k,
इसमें वेरिएबल एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, जीरो. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है. तो इसको हम लोग एक अल्टरनेट नाम से जान सकते हैं. किस नाम से? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. तो इसको हम लोग एक अल्टरनेट नाम से भी जान सकते हैं. एक जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल किस नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. इसको ग्राफिकली भी आप कैसे देखोगे? इसको ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के. तो इसका ग्राफ जो है ना, तो वो बिल्कुल इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा. ये वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ होगा. क्यों? क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट पे अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, के है. इसलिए इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग कितना बोलेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे वाई इक्वल टू के. इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना मिल रहा है, के मिल रहा. सो इट इज अ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल या कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, और इसका ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का दिखता है. इसके बाद हम लोग मूव करते हैं किस पे, वन डिग्री पॉलिनोमियल पे. सो इसके बाद आता है आपका वन डिग्री पॉलिनोमियल. वन डिग्री पॉलिनोमियल, जैसा नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी वन. सो इसका एग्जांपल आपको कैसा दिखेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन. सो अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे वन दिख रहा है. एक्स की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो क्या दिख रही है, वन. सो ये क्या होता है, ये है वन डिग्री पॉलिनोमियल. इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, वन होती है. अगर आप इसको ग्राफ से एनालाइज करोगे तो इसका ग्राफ जस्ट एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा. इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. सो अगर आप बिगनिंग कर रहे हो, अगर आप क्लास इलेवंथ में हो, तो आई विल एक्सप्लेन कि आप इसका ग्राफ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप क्लास ट्वेल्थ पढ़ चुके हो या जो भी है, तो डेफिनेटली आपको इसका ग्राफ पता होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन कुछ भी हो, अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स की पावर वन है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको जस्ट दो पॉइंट चूज करने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का. तो वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये वन डिग्री पॉलिनोमियल या ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल. इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. उस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि जस्ट आप दो पॉइंट चूज कर लीजिए, जस्ट टू पॉइंट. और वो दो पॉइंट चूज करना भी आपके लिए काफी आसान काम है. जैसे पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सो यू विल गेट वाई इज इक्वल टू थ्री. एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू थ्री. तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू थ्री, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू. ओके, और दूसरा पॉइंट के लिए यू जस्ट पुट वाई इज इक्वल टू जीरो. तो अगर आप वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस थ्री बाई टू. सो व्हाट इज द पॉइंट, माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, माइनस थ्री बाई टू हियर, हियर इट विल बी माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो. सो ग्राफ ऑफ दिस विल बी स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स. तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जस्ट ये, तो ये y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा. सो दैट मीन्स कि जैसा मैंने बताया कि ये वन डिग्री पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जस्ट आप इस तरीके से दो पॉइंट निकालिए, एक बार x को जीरो पुट करके, एक बार y को जीरो पुट करके, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन जो इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा. तो ये रहा आपका वन डिग्री पॉलिनोमियल. इस वन डिग्री पॉलिनोमियल के बाद जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग के पास आएगा वो क्या होगा, टू डिग्री पॉलिनोमियल. सो टू डिग्री पॉलिनोमियल अगेन नाम से क्लियर है आपको, यहां पे नाम से आपको दिख रहा है कि टू डिग्री, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी टू. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी टू, तो ये कैसे दिखेगा आपको, दिखने से कैसा दिखेगा, इट विल बी लाइक वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. So, ये है आपके पास, देखिए टू डिग्री पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है, टू दिख रही है. सो इट इज अ
टू डिग्री पॉलिनॉमियल। इसको हम लोग जानते हैं एक अल्टरनेट नाम से, विच इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो अगर आप ध्यान दो तो हम लोग यही इस चीज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग बड़े डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे कैसे कैसा कैसा ग्राफ होता है, सारा इस टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले। लेकिन फिर भी जस्ट मैं आपको एक इसका रफ आइडिया दे दूं कि इसका ग्राफ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए इसका रफ आइडिया ग्राफ का मैं दूं, इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा, पैराबोला विल बी लाइक दिस, या फिर ये इस तरह से ओपन होगा, या फिर आपको कुछ इस तरीके से ओपन होता हुआ दिखेगा। सो दैट मीन्स कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आगे आप देखोगे कि क्या होता है, एक पैराबोला, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है, ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है। तो ये इसका रफ नेचर ग्राफ का हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो इसका डिटेल्ड ग्राफ होगा, एग्जैक्ट ग्राफ होगा, तो वो तो हम लोग प्रॉपर डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका टू डिग्री पॉलिनॉमियल। द रिमेनिंग पॉलिनॉमियल विल बी डिस्कस्ड इन द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द क्लास। तो यहां से हम लोग इस चीज के साथ हम लोग वापस अपने उस पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। बिफोर दैट, यस, पॉलिनॉमियल के बाद मैं एक और चीज आपको डिफाइन कर देता हूं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार टर्म सुनने को मिल सकता है, दैट इज रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है ये हम लोग देखें, क्योंकि ये टर्म भी आपको टॉपिक पढ़ते समय बार बार मिलेगा। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए, रैशनल फंक्शन कुछ इस टाइप का, वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का जो कोई भी फंक्शन होता है ये क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन। यहां पे पी एक्स और क्यू एक्स, ये पी एक्स और क्यू एक्स जो है ये पॉलिनोमियल्स है, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स विथ रैशनल कॉफिशियंट्स, ठीक है। सो वाई इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाता है। हाँ, यहां पे पी एक्स और क्यू एक्स में कंडीशन है कि ये जो पी एक्स और क्यू एक्स है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स विथ रैशनल कॉफिशियंट। सो वाई इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है, जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स ये पॉलिनोमियल्स होते हैं विथ रैशनल कॉफिशियंट। तो ये हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रैशनल फंक्शन। इसके बाद वापस हम लोग बैक आते हैं, अपने प्रॉपर टॉपिक पे आते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अगैन स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।